अभी तक के सेशंस में हमने देखा कि एक अनग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं कि एक सोसाइटी के अंदर कुछ लोग रहते हैं जिनका एज है 21 ईयर्स, 27 ईयर्स, 25 ईयर्स, इस प्रकार से। इसका मीन डेविएशन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले इस डेटा को एक टेबल के अंदर हम लिख देंगे सभी लोगों की एज, फिर हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे या फिर मीन फाइंड करेंगे। एवरेज या फिर मीन, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माने सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो आपको हमने पहले ही दिखा दिया कि कैसे एवरेज फाइंड करते हैं, फिर भी इन सभी नंबर्स का एडिशन कीजिए। यह आएगा 144, डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, छह ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 6, तो ये होगा 24 ईयर्स। मतलब कि इस डेटा का एवरेज है 24 ईयर्स। अभी इस टेबल के अंदर दूसरा कॉलम बनाएंगे मॉड डी। इसका मतलब कि हर एक नंबर अपने एवरेज से कितना दूर है। जैसे कि ये पहला देखिए 21 ईयर्स और ये है 24 ईयर्स, कितना डिफरेंस है, 21 में से 4 जाए बचेगा 3। तो यहाँ हमने -3 नहीं लिखना है क्योंकि ये मॉड्यूलस है, केवल 3 लिख देना है। इसी प्रकार बाकी के नंबर्स इस नंबर से कितना दूर है ये हम फाइंड करेंगे। मतलब ये माइनस ये, ये माइनस ये, ये माइनस ये, इस प्रकार से। तो 27 में से 24 गए तो बचेंगे 3, 25 में से 24 गए तो बचा 1, 24 में से 24 गए 0, 22 में से 24 गए, मतलब उल्टा भी कह सकते हैं कि 24 में से 22 गए तो कितने बचे, 2, 25 में से 24 गए 1, 1 बचा। अभी इस डी, ये जो मॉड्यूलस डी है, उसका एडिशन करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 + 3 + 1 + 2 + 1 कितना होगा, 3 और 3 6 7, तो 9 और 1 10। तो अपना सिग्मा मॉड्यूलस डी हुआ 10। अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा मॉड्यूलस डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना है, 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 6, तो ये होगा 1.67 ईयर्स। मतलब कि इस डेटा के लिए मीन डेविएशन है 1.67 ईयर्स, यानी कि जितने भी लोग हैं वो एवरेज से, अपना जो एवरेज है 24 ईयर्स, उसके 1.67 ईयर्स के आसपास डिस्पर्स हैं। एक बार फिर से प्रोसेस रिव्यू कर लेते हैं। मीन डेविएशन पूछा जाए तो पहले डेटा को एक टेबल में लिख देंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज वाले नंबर में से ये बाकी सारे ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे, लेकिन साइन को इग्नोर करेंगे। जैसे कि ये 21 - 24 किया तो -3 आ रहा था, लेकिन हमने लिख दिया +3। उसी प्रकार सभी नंबर को माइनस किया। इस प्रकार से ये जो दूसरा कॉलम बना उसका हम एडिशन करेंगे सिग्मा डी, और उसकी मदद से हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे इस प्रकार से। और ये आ गया अपना मीन डेविएशन।